वाह क्या पे मोटे, ये क्या है, मटका है, मटका हाँ मटका है, नीचे नल भी है, पिएगी जी। सुनिए, मुझे कॉलेज जाना है, जरा छोड़ देंगे? एक लीटर पेट्रोल डाला दोगी, छोड़ दूंगा। तुमने लिख रखा है इसमें कि तुमको 6 बीबियां चाहिए। हाँ, ये क्या सीन है भाई, दो वाले व्लॉग बना रहे हैं ना, हो जाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 6 को संभाल लोगे तुम? हाँ भाई, कैसे, हर दिन नहीं नहीं, और हर दिन के साथ नहीं नहीं व्लॉग, और सातवें दिन क्या करोगे, 6 दिन के लिए तो 6 बीबी 7वीं। उस औरत को 4 बच्चे की माँ थी, देखने मस्त थी, देखने मस्त थी। मंत्री मंत्री भी है। अरे यार वो चप्पल टूट गई थी ना, तो शॉपिंग करने जा रहा हूँ। शॉपिंग करने मस्जिद में? हाँ वहीं से तो शॉपिंग होती है। शॉपिंग नहीं, स्टोरी कहते हैं। मर्द कैसे झूठ बोलते हैं ना, मर्दों को झूठ बोलने पे औरतें मजबूर करती हैं। पूछे क्यों? क्योंकि वही आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बस एक ही चीज। बहन जीजू, ये तो कमाल की गाड़ी है, बिल्कुल आवाज नहीं करती। हाँ ये लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा, तो लेटेस्ट मॉडल में इंजन नहीं होता? अब नया चश्मा ले लीजिए ना, ये चश्मा कितना पुराना हो गया है। नहीं, वक्त के साथ पुरानी चीजें बदलो। शुरुआत तुमसे करूं? मैं गिरे बेटा, चप्पल पड़ेंगे, जो बचे हुए बाल है वो भी निकल जाएंगे। रात को 3 लोग जागते हैं, भूत इंसान को डराने के लिए, मच्छर इंसान को सताने के लिए, और हस्बैंड और वाइफ इंसान को बनाने के लिए। क्या छूतिया टीचर है यार। वाह वाह अन्ना वाह, अरे अरे नई चीज आपसे सीखने मिली है। मैम हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दो। तो बता, क्या नाम है मेरा? अबे ये अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों समझती है, ठेले वाली। आज की शायरी, हमें अपनों ने लूटा, इतना लूटा इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। हेलो वो भैया कितने हुए? 68। अरे भैया वो इंग्लिश में कितने हुए? इंग्लिश में भी उतने हुए, कम थोड़ी हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे बैग पे ना खुजली मछली थी, पाउडर लगा दोगे क्या? हाँ लगा दूंगा बेटा, मन में लड्डू फूटा। एक सेकंड, क्या हुआ, आपकी खुजली हो रही है क्या? पाउडर लगाने, एक सेकंड दिखाना, मैं लगा देता हूँ ना, पकड़ना भाई। ओहो ये क्या हो रहा, कौन लगाता सड़क पे पाउडर? अरे जोर से बोलना, सर मेरे को पूछ रही है ये। दीपक भाई आप प्लीज आपका फैसला लीजिए कि कौन लगता है आपको जीतेगा सागर ठाकुर, मैक्स टर्न और पुनीत सुपरस्टार के बीच के मुकाबले में। ये तीसरा नाम कौन होता है? इस मैक्स टर्न का दूसरा नाम ही सागर। कोई भी तमीज का होता तो देखते ही मैक्स टर्न वही तो नहीं है जिसको अभी एल्विस ने चाटे चाटे मारे थे जिम में घुस के, वही है क्या ये? सारी उम्र मैं जो कर जबड़े यार प्रो टॉट रॉन्ग। कोबक अरे मैडम आप डरो मत, आप जिसे डर रहे हो ना वो मैंने पकड़ रखा है, आप निकल जाओ। भाई बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया इसने तो। तो एक बात बता दो सूट, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुझे क्या लग रहा है मेरे घर में क्या फैक्ट्री है दूध की? या या या।
बात समझ रही हो, काहे ऐसे उल्टे सीधे सवाल और जोर से। अबे क्या कर रहा है, और जोर से मारना। अबे ऐसे मार, ये समझ, ये पेड़ नहीं है, तेरी एक्स है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अल्फाबेट्स में एम सीधा क्यों ऐसा सोचता है और डब्ल्यू उल्टा क्यों? एम सीधा ही है, डब्ल्यू उल्टा ही है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एम से मैन आता है और डब्ल्यू से वुमन आता है। दोनों एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मर्द एक नंबर के बुद्धू होते हैं। उन्हें इतना सा भी नहीं मालूम कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए। ओए, मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। सॉरी आंटी जी। ये क्या हो रहा है? क्यों? अबे उस बालक को बड़ा तो हो जान देती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है हमारे यहाँ? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अबे क्या हुआ? ज्यादा बोल मत, तेरी हाइट तो मुझसे कम है, एक इंच। उसका एक इंच कितना कम है? उसका एक इंच कम है। हाइट हाइट हाइट। अच्छा हाइट कौन है तेरे भाई? मैं गिरा होया बंदा जमानी। कहीं और सुन रहा। मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी मिल जाओगी। मुझसे शादी करोगी? पापा से पूछ के बताऊंगी। शीशी मानो तुम चटी वाला कम बन गए। आन्या हाय, पहचान? अभिजीत, ये है आन्या मेरी कॉलेज फ्रेंड, और आन्या ये है अभिजीत। नमस्ते जीजा जी। थैंक यू सो मच, पूरे इतने सारे हजारों एपिसोड में नहीं कह पाया। फील करते हो? बिग बॉस में तो आपने आते ही धमाल मचा दी थी। तो लड़के थे ना? क्यों लड़कियां में? लड़कियां थी बट ठीक है, टाइम लगता। मेरे साथ टाइम मत लो, मेरे साथ आप खुल सकते हो क्योंकि मैं भी खुली हुई खुली हुई। बेटा जरा बात सुनो। हाँ, किसकी तरफ से हो? यस, आज बाहर पहली कंफर्म करके आया हूँ, शादी है, शादी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ क्या करो बताओ, किसकी तरफ से आए हो? भाई साहब हमें बारात में सबने खाना खा लिया, हम लेट हो गए थोड़ा सा, इसलिए हम खाना खा रहे हैं। दूल्हे का छोटा भाई हूँ, अनस नाम में जाके पता कर लियो, समझे? अब खाना खा दो। और हाँ, जाते जाते पंखा सीधा कर दियो, गर्मी लग रही है। मारो भाई मारो। मानी को भाई साहब, दूल्हा दही मांग रहा था, पूरी बारात पिटी है, तुम्हारी भी तो बनती है। गाइस अभी गाड़ी आ रही है और राहुल गांधी जी अभी आ रही है, आने वाले हैं। कौन सा ब्लॉगर है भाई? अब बेटा ये मिलने संभव नहीं है, करवाना ये आप किसी उनकी टीम वालों से कर दीजिए। गाइस चलिए मिलते, आपसे मिलना बहुत शौक था। हाँ। बचपन से मैं आपसे मिलना चाहता था। बेटा तू बचपन में ही है। इमोशनल डैमेज। आप लोग अंग्रेजी सही है? एग्जाम खत्म हो गया, कितनी खुश है? एग्जाम खत्म हो गया, बहुत खुश है। क्या करिया घर जाके ये बताए? पता नहीं, पहले तो खाना खाएंगे, बहुत भूख लगा। चल छुट्टी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब मैट्रिक का एग्जाम पड़ता है तो बहुत टेंशन होता है, आज तो टेंशन खत्म हो गया। हाँ। अभी कुछ तो ऐसा कीजिए कि मन एकदम रिलैक्स हो जाए। इंस्टाग्राम चलाना है, इससे रिलैक्स होता है मन।